चैन दोस्तों, आज हम दोबारा खेलें पबजी मोबाइल लाइट। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो यहाँ बढ़िया मस्ती में लूट रहे, तुमको साउंड आया बाहर से, हमने कहाँ जा रहे हो भैया है, मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, तुमको समझ नहीं आता, तो हम इन पे चप्पल चलाने के लिए इनके पीछे दौड़ते हैं। तो हमने बड़ा बड़ी इनके ऊपर चप्पलें चला दी, उसके बाद हम कहते हैं भैया ऊपर कहाँ जा रहे हो तुम, पूरा खर्च हो जाओ। उसके बाद हमने खर्च कर दिया, हमने कहा पेटी में दिखाओ तुम्हारी क्या क्या है भैया, लूट लेते हैं थोड़ा, तुमको इसमें कुछ रहता नहीं, हमने कहा जाओ भैया तुमको बख्श दिया, जाओ लॉबी में जाओ अगला गेम खेलो, यहाँ पता नहीं क्या कर रहे थे टाइम पास। उसके बाद हम दौड़ते हो जाते हैं, हमको भैया नशेड़ी भैया दिखते हैं, पता नहीं कहाँ देख रहे थे हैं भैया, कहाँ देख रहे थे, पीछे पापा खड़े हैं, उधर ध्यान नहीं है तुम्हारा, अपनी मस्ती में चूर थे भैया। चलो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम अब तुम्हारे पास कारल है, हमको इस कारल की गोली दे दो भैया, छुप गए हमसे, हमने कहा पूरा खर्च हो पहले तुम। इधर से लूट लूट करके बढ़िया जा रहे थे, हमने देखा उधर केडी के देवता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमने कहा रुको हमारे देवता को तुमने हाथ कैसे लगाया, हम हाथ तोड़ देंगे तुम्हारे, हैं ऐसे कैसे हाथ लगा दिए, उसके बाद ही हम पे भी हमला कर दिए भैया। अगर दो चार गोलियां और होती हम इनको हवा में लपेट देते, लेकिन भैया बच गए, तो हमने कहा रुको शॉटगन है। हमारी शॉटगन से बचोगे कैसे तुम भैया, हम ऐसी तैसी कर देते हैं शॉटगन से, हमने कहा एकेएम निकाल दो चुपचाप हमारी एकेएम, तुम कब्जे आके बैठे हो इतनी देर से। तो हम भैया को मारने के बाद ऐसे बढ़िया घूम रहे थे, हमने कहा लो गाड़ी वाड़ी उठा लें, तो इधर हमको एक बंदा दिख जाता है, हमने कहा रुको तुमको एकेएम से स्प्रे देंगे हम। तो एक एम से तो हमारा सप्रे पड़ा नहीं, लेकिन हमने इस कारल से इसको पकड़ के चेप दिया, तो हमने कहा कोई बात नहीं जाओ बेटा तुम पापा से सीख के और सप्रे मारना, उसके बाद हमसे लड़ने आना। वैसे हमारा सप्रे भी कुछ खास था नहीं, लेकिन हमने लपेट दिया, तो आखिर में जीत हमारी हुई। तो हम उसके बाद पहुंच जाते हैं लूटने, कहा हम आदमी तो हैं लुटेरे किस्म के, तो हमने कहा लो भैया दो चार गोली निकाल दो, हम लूट के जाएंगे कहीं मारे मूरेंगे, तुम्हारे को आशीर्वाद देंगे। तो हम यहाँ से बढ़िया जा रहे थे मेन रोड, लेकिन हमने कहा भैया मेन रोड पे जाने का कोई फायदा नहीं, कहा कि गोली की आवाज़ आ रही पीछे, हम बढ़िया गाड़ी घुमाए, हमने कहा चलो रुको तुम लोग हमारी गैरहाजिरी में गोली गाली चलाओगे हैं। उसके बाद हमको दिखा बंदा, हमने कहा जय सलमान भैया, कूदा दिया हमने गाड़ी, लेकिन हमारी गाड़ी भी घुस गई नीचे, हमने कहा लो चला ला के देख लें शायद निकल ही जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो, तो हमने कहा रुको इसी की तैसी हम खुद ही पैदल निकल जाएंगे, तैरना नहीं आता क्या हमको। उसके बाद हमने कहा तुम कहाँ गए, हम तुमको अध गोले से मारेंगे, तुम्हारे चक्कर में हमारी गाड़ी घुस गई, लेकिन वो बंदा चला गया काफ़ी दूर, इसीलिए हमने अपना माइंड चेंज कर लिया। उसके बाद पीछे से आ रही थी S12K की आवाज़, हमने कहा भैया धक्का धक्का S12K चलाए पड़े हो तुम लोग, शर्म नहीं आती है, हमारी कोई इज्जत नहीं रखे हो तुम लोग, कोई और गोली चला लो, नहीं लेकिन S12K चलाना, और भैया को देखो S12K चला कहाँ से रहे। भैया अगर तुम लोग घूमते हो ना इधर उधर के, हम ड्रॉप से AWM उठा लेंगे, कार 98 उठा लेंगे, बंदे गिरा देंगे। नहीं नहीं भैया नहीं, तुम गलत हो, सबसे बढ़िया स्नाइपर है S12K, 2 किलोमीटर दूर से मारो बंदा ढेर। खैर ये सब हटाओ, हम यहाँ थोड़ा लूट वूट लेते हैं, फिर निकलते हैं हम सीधा बंदों के पास। हम इधर से दौड़ रहे होते, हमको दिखता बंदा, हम कहते हैं रुको अभी तुमको अपने लेजर सप्रेशन ऑफ करते हैं। क्या हुआ हमारा लेजर स्प्रे पड़ा तो, लेकिन वो बंदा नॉक नहीं हुआ, तो हमने कहा रुको इसी की तैसी हम सीधा रस करेंगे अब तुम्हारे ऊपर।
तो हम रस करते करते यहाँ पहुँचते हैं। बाद में हमको पता चलता है बंदा ऊपर चला गया अपने टीममेट के साथ। हमने कहा रुको तुमको हम सप्रे देंगे यहाँ से, और इसे सप्रे तो नहीं लेकिन शर्मनाक सप्रे ज़रूर कहेंगे। खैर मैं यहाँ से बचते बचाते हम निकल लेते हैं आगे। हमने कहा भैया कवर भी ले लेते हैं, नहीं तो क्या पता वो हमको चटका दे कहीं से। हमको दिखता है उसके हाथ में हम। हमने कहा रुको तुमको दोबारा सप्रे देंगे, लेकिन दोबारा भी एक भी गोली नहीं पड़ी। पता नहीं क्या ही हो गई, हमारी स्क्रीन खिसकती नहीं लगता है नीचे। और तिबारा एक बहुत ही गंदा ज़्यादा शर्मनाक सप्रे यार। हम अपनी बेइज्जती खुद ही करा रहे हैं, लेकिन हमारे अब आगे गुस्सा। हमने कहा टैप टैप करके मारेंगे तुमको, लेकिन लपेट तो हम देंगे बेटा, तुम हमारे हाथ से बच तो पाओगे नहीं। और ये ओम लेके सोच रहे हैं बहुत ही गवर्नर हो गए हैं, लेकिन हमको पता नहीं हमारे पास ये AKM में हम लगाएंगे 300, उसके बाद घुसेड़ देंगे इनकी खोपड़ी के अंदर बुल्टी बुलेट। उतनी देर में हमारा एक बंदा भी नॉक कर देते हैं। हमने कहा यार हमारा बंदा कैसे नॉक किया, तुमने हाथ कैसे लगा दिया उसको। रुको तुमको हमारी खोपड़ी में AKM उतारेंगे। ये AWM की चौड़ में लेटे रहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं AWM की गोली निकलते पहले हमको सलाम करते हैं। कहे कि तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो गाइस पिछले गेम प्ले में आप लोगों ने देखा कि AWM जैसी सस्ती स्नाइपर से हमको पिछली बार लोगों ने लपेट दिया। कहे कि महंगी स्नाइपर तो एस्ट्रॉयल विके है, उससे मारना चाहिए था भाई। हैं सस्ती सस्ती स्नाइपर उठा लेते हो। खैर इस गेम प्ले में हम ऐसा धुनकेंगे लोगों को, वो भी चिकन डिनर के साथ। तो अंत तक बने रहिए, देखिए आप गेम प्ले हमारा। कह रहे हैं हम नो लूट लेते हैं, हमको बंदा दिखता नहीं तो हम कहते हैं चलो भैया बंदों की तलाश में निकलते हैं पहले। तो भैया हम पूरी मस्ती में इधर उधर ड्रॉप ड्रॉप लूट के आराम से घूम रहे थे। हम पूरा मैप घूम लिए लेकिन हमको बंदा ही नहीं मिला। लेकिन आखिरी में हमको यहाँ पे बंदा मिला। हमने कहा भैया बहुत दिन बाद दर्शन किए, रुको बहुत भले तुम KD के देवता ही हो, लेकिन आज जो तुमको हम पेटे गिरा दें। हम बहुत देर से नाच रहे हैं, हम नाचते नाचते थक गए, बताओ हम कह लो लूट भी दे दो तुम अपनी थोड़ी। उधर हमको दिखाई गाड़ी, हमने कहा रुको गाड़ी पे देंगे, महंगा सफर है। लेकिन गाड़ी तो भाग गई, तो हमने कहा रुको अभी हम तुमको घुस के मारते हैं, पहले हमको स्क्रूप चेंज करने दो। हम 2x फेंक देते हैं, हमको हमारा कोई फायदा नहीं है 2x लगा के। हमने कहा रुको अब हम गाड़ी में करेंगे सीट चेंज, और तुमको आके गांजेंगे। तब तक हमको सामने भी आने लगी गोली के साउंड। हमने कहा रुको हैं इसे कैसे तुम। हम यहाँ आ रहे थे, हमको लगा ये बॉट है, लेकिन ये बॉट रुपये बंदा निकला, इसने हमारी ऐसी तैसी कर दी। हमने कहा रुको भैया हम हील कर लें थोड़ा, पहले हम सोचें गाड़ी उठा के निकल लेते हैं, घर में हील करेंगे आराम से बैठ के। तो हम यहाँ जा रहे होते हैं हील करने, हमको दिखता है सामने बंदा बग्गी में। हमने कहा अब तो हम बनेंगे डायनमो, हम मारेंगे इसकी खोपड़ी पे पट्टा से हेडशॉट। लेकिन भैया उतर जाते हैं, हमने कहा हमारा सपना तोड़ोगे तुम, निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में। उसके बाद हमने देखा भैया पीछे भी बंदे भाग रहे हैं, एक हाथ की पेटी बना दी। हमने कहा रुको अभी तुमको हम बताते हैं, एक को नॉक किया हमने। उसके बाद ये भैया मून वॉक करने लगते हैं। हमने कहा भैया मून वॉक क्या कर रहा है बे, और उनको हमारी गोली लगती नहीं। पता नहीं हमारी स्नाइपिंग सस्ती हो जाती है इस वक्त, हम बहुत ट्राई करते हैं लेकिन गोली नहीं लगती। तो हमने कहा कोई बात नहीं भैया हम उनको सप्रे देंगे, लेकिन कुछ था नहीं हमारी गोली पे। भैया हम लड़ रहे होते हैं, इतनी देर में KD देवता आ जाते हैं। हमने कहा भैया बीच में आशीर्वाद देने मत आया करो यार, डर लग जाता है हमको हैं। एक तो हमारे पे कुछ था नहीं, ऊपर से तुम आ गए हमको होलो दे दिए, चलो बहुत बढ़िया। हम क्या दोबारा हम स्नाइपिंग करेंगे, ये लोग रिवाइव खेल रहे थे। हमने कहा लो भाई इनको हेडशॉट देते हैं, लेकिन ये लोग इधर उधर भागे पड़े। हमने कहा मार देते हैं, किसी न किसी तो पड़ ही जाएगा। और हमने फिर एक भैया को नॉक कर दिया। हमने कहा अब तो हम करेंगे रस, हम बैठने आ लेते गाड़ी में। तुमने हमने देखा लो दूसरे को भी नॉक कर दें, लेकिन उसको गोली नहीं पड़ी। हमको लगता है पता नहीं हमारी गोली कहाँ जाती है भैया, 3x को समझ ही नहीं आता। उतनी देर में उनके एक भैया इधर फ्लैंक मार दिए। हम कहे भैया कहाँ जा रहे हो हैं, हमसे गोली तो खाते जाओ कम से कम AWM के। उतनी देर में वो भैया गायब हो गए। हमने कहा रुको अब एक हेडशॉट देते हैं, लेकिन पड़ता ही नहीं। हमको लगता है हमारे नसीब ही ख़राब है, हमको कोई कुछ देता ही नहीं। तो हमने कहा चलो गाड़ी में बैठ के हम चुपचाप हील ही कर लेते हैं, क्या फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों का। हमने कहा इस बार तो हम रस करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान इधर से उधर हो जाए। फिर हमने कहा लो अच्छा एक पहले हम एक और नॉक निकाल ही लें, उतनी देर में भैया हम पे हमला कर देते हैं, हमारी इसी तैसी कर देते। हमने कहा छुप लेते हैं, नहीं तो हमको मार डालेंगे। तो हमने कहा रुको भैया कहाँ हो, अभी हम तुमको बताते हैं, पहले हमको हील करने दो थोड़ा। हम बैंडेड कसते हैं, उसके बाद हमने कहा रुको तुम हमको दिखो, अभी हम देते हैं तुमको पट्टे से हेडशॉट, वो भी नहीं पड़ता। पता नहीं हमारी सारी गोलियाँ कहाँ जा रही हैं। एक तो हमको स्कोप के नाम पे 3x के अलावा जैसे कुछ देते ही नहीं है पबजी वाले, भैया हमको भी दे दो 6x 8x सब रखे हो, हमारे लिए एक स्कोप नहीं निकलता। हम इतने बंदे मार लें कुछ भी कर लें,
हमारी बुद्धि भी खराब, हम कहे अब हम लेट के घर चालू कर लेते हैं, तो हम लेटे, हमने कहा रुको अब तुम्हारी इसी की तीसी देखो तुम, लेकिन हमारा एक भी कुछ काम नहीं है, केवल बॉडी शॉट ही पड़ा जिसमें कोई नॉक भी नहीं हुआ। तो हमने देखा, हमने ध्यान दिया कि उधर एक बंदा उनका प्लैंक किया, लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो हमारे मुँह पर चढ़ाएगा। हम बढ़िया स्नाइपिंग पे स्नाइपिंग करते रहे, हमने हैक ऑन किया, ये देखो हमारा हेड शॉट। हमने कहा भैया अब तो हमने नॉक कर ही दिया, अब तो हम रस कर ही देंगे, और हम रस करने के लिए गाड़ी बैठते हैं, हम देखते हैं भैया ये प्लैंक मार के यहाँ आ गए। हमने कहा रुको हमें जान बचानी पड़ेगी। तो ये भैया पता नहीं हमारे मुंह पे कहाँ से आ जाते हैं, और इतनी देर में हमको पीछे भी कोई टिपी आने लगता है। हम कहते ये क्या बदतमीजी है भाई, आदमी सामने लड़ रहा है उसको सामने लड़ने दो। हम अंदर घुसते हैं, हमने कहा रुको हम पहले वो कर लेते हैं, हम यहाँ बढ़िया ढील ढील करके निकलते हैं, फिर हम देखते हैं धीरे धीरे इनकी पूरी स्क्वाड रश कर देती है हम पे। तो हम कहते हैं रुको भैया हमको जान बचाने के भागने दो, हम किल क्लियर कर लेते हैं पहले। हम कहते हैं तुम्हारे टीममेट आएंगे, क्या पता तुमको बचा के हमको ठेल के निकाल लेते हैं तुमको, इसलिए हम पहले इनको निपटाते हैं, उसके बाद देखो हम इनकी टीम का क्या हाल करते हैं। तो हम धीरे धीरे करके इनके पूरी स्क्वाड को निपटा देते हैं। और भैया अगर इस क्लच के लिए लाइक नहीं किया तो क्या करोगे भैया, अगले जन्म करोगे क्या है, इस जन्म में कर दो। हमको लगता है हमारे सामने भी एक बंदा है इसलिए हम बाहर निकलते नहीं। तो हम कहते हैं हमको पहले लूट लेने दो भैया, हमारे पास कुछ बचा नहीं, हम कहीं से लड़ेंगे भैया इससे, अगर हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। उतने देर में हमको पीछे पहाड़ी से भी कोई टिपी आने लगता है, हम कहते हैं यार थोड़ी देर तो आदमी को बैठ जाओ, आदमी की खोपड़ी क्या है, तुम लोग मारे पड़े हो। हम कहते लूट लेते हैं पहले, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो हम बढ़िया लूट वूट करके यहाँ आते हैं, तो हमको दिखता है भैया ऊपर बंदा, हमने कहा रुको तो हम नेट मारेंगे तुमको जय श्री राम बोल के, तुम्हारा नेट पटेगा ही पटेगा उसके बाद भी, लेकिन ये नहीं पटता, पता नहीं राम जी की कृपा में लगता है कहीं कमी रहेगी। तो हमने कहा रुको तुमको घुस के मारेंगे हम, तो हम इधर से आते हैं भैया, हमको झाँकने लगते हैं, हमको झाँकू आदमी बिल्कुल नहीं पता। हमने कहा रुको तुमको इसी तैसी, हमने कहा रुको अब हम तुमको घुस के लूटेंगे, हमको लगता है ऊपर दो बंदे बचे हैं, लेकिन बचा रहता है कि, तो हमने कहा दो बंदों के लिए तुमको ढेर सारी गोली चाहिए, हम कह लूट लेते हैं भैया तुमको। हम जोन के चोटे खाते हुए पहुंचते हैं अंदर, लेकिन इसके पास भी कुछ लूट नहीं रहती है। हम कहे क्या आदमी है यार, हैं बताओ इतनी देर से यूएमपी और उससे लड़ रहा है, हैं मतलब अजीब लोग हैं दुनिया में। हम कहें चलो कोई बात नहीं भैया हम निकल लेते हैं, हम देखें बाद में एक ही बंदा हमको लगा ड्रॉप पे, लेकिन वो भैया ड्रॉप से प्लैंक प्लूंग करके घर में घुसाते हैं। हमने कहा घर में घुसोगे साले, उनको खोपड़ी दिखा, हम खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारी। हमने कहा ये लो पटका पेट चोट निकलो यहाँ से। उसी के साथ गाइस हमारा चिकन डिनर हो गया है 13 किल के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक कर देना, और MVP तो हम ही रहते हैं हमेशा की तरह, चाहे हम जीतें चाहे हारें कोई बात नहीं, लेकिन भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर वेयर भी कर देना भैया वीडियो के, हमारी चल जाए 2-4 लोग हमारे को भी जान लें भैया, महान कृपा होगी। चलो खैर मिलते हैं अगले गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।